हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की जीके सीरीज की क्लास नंबर रहेगी 6। पहले वाली 5 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी HP10 मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, JBT, आर्ट्स, उर्दू, LT सभी प्रकार के टैट के लिए। 121, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर रहेगा सी, महू। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइकोलॉजी की क्लासेस जो हैं वो भी HP TET के लिए देख सकते हो। उन सारी क्लासेस के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। 122, निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? सही आंसर ए, पृथ्वी। 123, राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? सही आंसर ए, 1988। 124, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं? सही आंसर डी, सूक्ष्म तरंगे। 125, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सही आंसर रहेगा डी, ओडिशा। मैक्सिमम टाइम टैट में ही ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य रहेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर से बोल देती हूँ एक बार, टोटल 8 राज्य रहेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 126, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर सी, 25 जनवरी। तो आपने डेज वाले क्वेश्चन जो हैं वो अपने टैट के लिए तैयार कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। 127, स्काउट एवं गाइड के संस्थापक कौन थे? सही आंसर बी, बैडेन पावेल। 128, फिर से डेज वाला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 129, विटामिन वाला क्वेश्चन आया, विटामिन डी की कमी बीमारी पैदा करती है? सही आंसर रहेगा बी, सूखा रोग और अस्थि मृदुता। अगर आपको विटामिन वाली वीडियो चाहिए होगी तो आप बता देना, आपको वो मिल जाएगी क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरे यहाँ पे बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी विटामिन वाली GK पोर्शन में भी और केमिस्ट्री पोर्शन में भी, क्योंकि दोनों में ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये मेडिकल, नॉन मेडिकल और बाकी जितने भी टैट होते हैं उन सभी के लिए विटामिन वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। 130, किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? सही आंसर बी, 1989। 131, पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? सही आंसर सी, मंतलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, राहुल साकृत्यायन। तो बुक्स वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था राहुल साकृत्यायन वाला, कि किन्नर प्रदेश पुस्तक किसने लिखी हुई है। 133, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? सही आंसर डी, प्रोफेसर एडम स्मिथ। 134, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो रहेगा हमीरपुर। इसका क्षेत्रफल रहेगा 1118 तो ये सबसे छोटा जिला था क्षेत्रफल के आधार पे। अगर मैं सबसे बड़े की बात करूं तो वो रहेगा हमारे पास लाहौल स्पीति, सबसे बड़ा लाहौल स्पीति, जिसका क्षेत्र फल रहेगा 13,835 135, एक बार फिर से डेज वाला क्वेश्चन तीसरी बार आ गया इसी पेपर के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ए, 21 जून। तो एग्जामिनर का कोई भी पता नहीं होता कि कैसे वो डाल दे, क्योंकि इस पेपर में तीसरा क्वेश्चन जो है ये डेज वाला ही डाल दिया गया है। तो ये आपने अपना टॉपिक तैयार कर लेना। देखिए फिर से एक बार,
डेज वाला क्वेश्चन, तो ये फोर टाइम आ रहा है इसी एक पेपर के बीच में। ये एक ऐसा पेपर था, मेडिकल वालों का पेपर है ये, उसमें 4 बार जो है वो डे से ही क्वेश्चन डाल दिया था कि कौन सा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 136 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा बी 22 अप्रैल को। तो जिसने अपने डेज वाले क्वेश्चन टॉपिक अच्छे से किया होगा उसने 4 क्वेश्चन तो यही सही कर लिए होंगे। 137 सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? सही आंसर रहेगा सी अफ्रीका। 139 धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को, 16 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये जो 16 सिंगी धार है ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं था। अगर आपसे 16 सिंगी किला पूछा जाए तो वो है ऊना में, डिस्ट्रिक्ट ऊना में, और अगर धार पूछी जाए 16 सिंगी धार तो वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही सही नहीं दिए गए थे इन्होंने। ये जो है वो किले के हिसाब से आंसर दे दिया गया था, दे दिया था कि 16 सिंगी किला जो है वो ऊना में है पर धार जो है वो हमीरपुर में है। ये आपने याद रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपके लिए भी क्वेश्चन रहेगा, दे ही देती हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन रहेगा शिमला नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? फिर से सुन लीजिए, कल मैं खुद इसका आंसर आपको सबसे पहले वीडियो में बता दूंगी। शिमला नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? धन्यवाद।